तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों, प्रशांत नील और प्रभास की मूवी सलार की डेट 12 यानी कि 12वें दिन की 2 जनवरी के दिन की ऑफिशियल एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है और सलार मूवी बहुत ही बुरी तरह से ड्रॉप लेती हुई हमें यहाँ डेट 12 के दिन दिखाई दे रही है। इसका कलेक्शन और जो एडवांस बुकिंग है वो बहुत ही ज्यादा कम आया है आज मंगलवार यानी कि ट्यूजडे के दिन का। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसकी जो ऑफिशियल एडवांस बुकिंग है डेट 12 की वो कितनी हुई है। सबसे पहले आपको बता दें, ये जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो सुबह 6 AM तक की है, जिसमें कि दोस्तों तेलुगु की 2D से 70 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है, जिसमें 55,556 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। तेलुगु के आईमैक्स वर्जन से 10 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है, जिसमें 415 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। वहीं पर तमिल प्लस मलयालम प्लस कन्नड़ा से सिर्फ 19 लाख रुपए की 3 लैंग्वेज से एडवांस बुकिंग हुई है, जिसमें 15,000 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं हिंदी लैंग्वेज पर। तो हिंदी की 2D से सलार मूवी की डेट 12 में मात्र 40 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है, जिसमें सिर्फ 20,000 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। और यहां पर दोस्तों हिंदी के आईमैक्स वर्जन से 5 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है, जिसमें मात्र 510 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। अगर हम हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा पांचों लैंग्वेज का टोटल कर देते हैं तो सलार मूवी की जो डेट 12 की फाइनल एडवांस बुकिंग है वो मात्र 95 लाख की हुई है, यानी कि 95 लाख रुपए की बस यहाँ पर सलार मूवी डे 12 में 12वें दिन एडवांस बुकिंग कर रही है, जिसमें 75,000 के समथिंग टिकट से सोल्ड आउट हुई है। अब दोस्तों मात्र 95 लाख की एडवांस बुकिंग यानी कि आज 1 करोड़ का मार्क भी सलार मूवी टच नहीं कर पाई है एडवांस बुकिंग में, तो कहीं ना कहीं इसका जो नेट कलेक्शन है डे 12 का वो कम से कम 4 से 5 करोड़ के मिड में आएगा, इससे ज्यादा इसका कलेक्शन नहीं आएगा। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या सलार मूवी 700 करोड़ के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में भी शामिल हो पाएगी या नहीं होगी? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।